मोहम्मद रईस। मोहम्मद रईस जी, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार, ऐसा क्यों? मोदी जी है, मोदी जी के सिवा कोई ताकत नहीं आ पाएंगे, ना कोई आ सकेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं गुजराती प्यार कर रहे हैं बहुत। कौन केजरीवाल? केजरीवाल कौन है, मैं नहीं जानता। वो तो दिल्ली से आए हैं इस बार, यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं बहुमत से आएंगे हम। मेरे को पता नहीं, मैं तो खाली मोदी जी को जानता हूँ। राहुल गांधी को भी नहीं जानते? नहीं, उनको भी नहीं जानता। ऐसा क्यों? वो तो 27 साल पहले वही राज करते थे गुजरात में। नहीं नहीं, मैं तो मोदी जी को जानता हूँ। क्या किया मोदी जी ने ऐसा कि जो आप ही उन्हीं को जानते और किसी को नहीं? बहुत कुछ किया है। जरा बताएंगे, अगर आपको 1 मिनट दे दूं मैं, तो काम क्या है उनके? बहुत सारे काम, अच्छे काम है सब, गलत काम कोई नहीं है, सब काम अच्छा। रिवर फंड बनाया, ये बनाया, मेट्रो चालू की। अभी तक कांग्रेस सरकार ने क्या किया? क्या किया कांग्रेस सरकार ने, आप तो बताओ। कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी मुसलमान विरोधी हैं। नहीं नहीं, कौन कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है ना, मुसलमान कहाँ कह रहा है। मैंने किया, कोई भी मुसलमान ने किया कि मोदी जी गलत है? वो तो कह रहे हैं बीजेपी दंगा कराती है। नहीं नहीं, नहीं कराती दंगा, कौन बोल रहा है, कोई दंगा नहीं कराती। अच्छा, ये तो आपनी खुद की सोच है। तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है, जो चेहरा बताया जाता है लोगों, विरोधियों द्वारा, कि मुसलमान विरोधी है, आप खुद एक मुसलमान हैं, क्या लग रहा है आपको कि 27 साल से बीजेपी यहाँ, कुछ प्रॉब्लम आई आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और फायदे बहुत सारे हुए। फायदा क्या क्या हुआ है? बहुत सारे, आयुष्मान कार्ड बना, अच्छी हॉस्पिटल चालू हुई। कांग्रेस के राज में कुछ था ऐसा, था कुछ? तो आप अपने भाइयों को क्या कहेंगे, क्योंकि सभी के वोट से सरकार बनेगी, तो उनको क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करें? मोदी जी को करें, मोदी जी अच्छे हैं, उनको ही करने का वोट। और हम कोई सरकार को जानते ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। अच्छा, तो आप तो दोनों पार्टियों को नकार चुके हैं, बस मोदी जी याद हैं आपको? यस, ओके, इट्स राइट। ठीक थैंक यू सर। आमदनी में कुछ फर्क आया आपके? हाँ जी, फर्क आया। कितनी बढ़ी आमदनी? जैसे 300 कमाए तो 400-500 ऐसा कमा लेते सर। अच्छा जी, तो महीने में कितनी हो जाती? लगभग 10-15 हज़ार रुपये हो जाती है आराम से। अब ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं ये पैसों की बर्बादी है, ब्रिज बना के क्या होगा, कई लोग कह रहे हैं ये सरकार की कमाई का जरिया है, आपको क्या लगता है? कुछ भी बर्बाद नहीं है, ये शौक जिसको करना है तो 5-10 रुपए तो भोग देना ही पड़ता है। कहीं भी आप जाओ, मान लो परिवार को लेकर, भाई ये शौक हमारा पूरा करना है तो पैसे का भोग देना पड़ेगा, अगर नहीं करना है तो घर पे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको शौक है वो पैसा खर्चा करेगी, और कुछ भी वैसे नहीं है, सब ठीक करा है मोदी जी ने। आप ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों? कोई शक नहीं, क्योंकि काम बढ़िया है भाई। आज 2002 से जो दंगा जो हुआ था लास्ट में, आज के बाद में कोई भ्रष्टाचार ऐसा कुछ भी कोई चीज होता नहीं है। कंप्लेंट हम लोग लारी वाले हैं, देखिए छोटा आदमी है, हम लोग ठेला चलाते हैं, रात को 2 बजे भी जाते हैं तो कोई कॉलर नहीं पकड़ता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब कभी भी हम लोग निकलते, कितने बार मेरे साथ हो चुका है, लारी खड़ा कर कितना गल्ला में माल पड़ा है, माल दे दे। आज किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो बीच में रोक के बोले कि 2 रुपया दे या 10 रुपया दे। हमारा मन पड़ेगा तो मोहब्बत में 2 दाना खिलाएंगे, नहीं तो नहीं खिलाएंगे। अच्छा, इतनी मोदी जी और पुलिस का सरसा इतना अच्छा मस्त है आज, तो भी किसको जाएगी वोट? अच्छा, मतलब बीजेपी को जाएगी। आप कह रहे हैं कि पुलिस काफी दखल दे दी थी कांग्रेस के साथ? पुलिस नहीं, लुक्के। अच्छा, लुक्के गुंडे भाई, रोक ला 2 दाने सिंह दे ना, दे तो चक्कू निकाल दे। आज के तारीख में ऐसा कुछ होता नहीं है, हम लोग तो बहुत अभी वोट से धंधा करते, ठीक है, पुलिस का कड़क है, अच्छा है, हम लोग के लिए अच्छा है। आज अगर वो कड़क नहीं रहेंगे तो हम गुंडे लोग ठंडा कैसे पड़ेगा? जैसे केजरीवाल आए हैं, वो कह रहे हैं कि 27 साल में एक भी विकास नहीं किया मोदी ने। अरे नए फेंक है यार, क्या और क्या चाहिए, गुजरात था क्या यार, कोलसे का खान था, अभी हीरा बना दिया, वो तो देखो भाई, वो चीज को देखोगे कि नहीं, ये नदी में हम लोग का घर था, हम लोग नहीं आते थे नदी में डर से, आज देखो लोग शौक से घूमने आते, तो और क्या करेगा विकास, क्या तुम्हारे घर में निवाला डालने आएगा सरकार? कह रहे हैं फ्री में आपको हम बिजली दे देंगे, बस एक बार मौका दे। गुजराती को कुछ भी फ्री चाहिए नहीं, गुजरात खुद हुनर है, कमाने वाला है, आराम से कमाती है, दाल रोटी खाती है, चुपचाप खाटले पे सो जाती है, उसको कोई चीज नहीं, सुबह उठ के फिर काम धंधा शुरू, टाइम किसके पास है भाई इतना, फिर इससे ज्यादा हमको चाहिए क्या? रोजगार मिलता है, 2 पैसे कमाते, घूमते फिरते, कहीं भी जाते आते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वोट किसकी जाएगी? हमारे तो वहीं जाएगी ना, गलत होगा, महंगाई है उसको होगा। अब देखो कोई भी चीज़ को अगर मान लो कोई भी चीज़ का खोता को अगर आप गुजारोगे तो उसको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, बराबर, एक बार खोता उजर चुकी है उसको आप जुटने में कम से कम 10 से 20 साल ले लेगी, जाहिर सी बात है, ये ठंडा होगा और इतना सुखी हो जाएगा 10-15 साल के अंदर कि पब्लिक को इतनी कोई हाई पैसा का रहेगा नहीं। विरोधी तो कहते हैं मोदी जी मुसलमान विरोधी हैं। नहीं यार, वो तो कुछ भी नहीं है भाई, देखो ये
जैसा देश ऐसा भेष होता है भाई। देखो कोई विरोधी नहीं है, सबको लेके चलेगा, आप भी नहीं तो कभी भी लेके चलने वाला ही है। सरकार सरकार का कोई गलती नहीं है, जो है वो सही है। तो क्या लग रहा है ओवरऑल, क्या लग रहा है किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। आपका भी मानना है? नाम क्या आपका? शेख मोहम्मद मोहसिन। शेख मोहम्मद जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? देखो ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है, जिसको जो मर्जी चाहे उसको ला सकता है। मोदी को लाए, मोदी आया, ठीक है, कांग्रेस को लाएंगे तो कांग्रेस भी आएगी। तो आपको क्या लग रहा है कौन पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रही है? पब्लिक के लिए तो देखो डेफिनेटली फ्यूचर का सवाल है, तो अभी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में सब आगे बढ़ रहे हैं। सरकार बना रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन भाव बहुत बढ़ गया है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और महंगाई के कारण लोगों को काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उसके पीछे सरकार के ध्यान देना चाहिए। आप ये बताइए, आप यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, ऑटो चलाते हैं, ये बताइए जब से ये रिवर फ्रंट और अटल ब्रिज बना है कुछ आमदनी में फर्क आया? फर्क तो आया, जब तक ये चलेगा तब तक हमारा पेट पलेगा। हाँ। बाकी तो दूसरा कुछ भी नहीं है, ये रोज यानी रोज लाओ रोज खाओ ऐसा सीन है। विरोधी पार्टियां तो कह रही हैं ये ब्रिज बना के क्या फायदा हो, ये तो पैसों की बर्बादी है। वो तो जिसको जैसा लगे भैया, और पैसों की बर्बादी करने वाला होगा तो यहाँ आएगा। हाँ। और जिसको बचाना होगा वो घर बैठेगा। अच्छा, तो आप ये बताइए जैसे तीन पार्टियां इस बार, किसका जोर आपको लगता है खुद से कि जिसका ज्यादा या गुजरात में वो अच्छा कर सकता है? अभी तो तीनों पार्टियां जोर शोर में, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है, और तीनों वही ऑप्शन है कि कुछ कर दिखाना है। अब कांग्रेस के राज में भी पहले भी यानी सब कुछ करा था, बना था, लेकिन अभी जो काम हुआ है बहुत फास्ट काम हुआ है। अच्छा, अभी जो बीजेपी का शासन है वो फास्ट काम हो रहा है? बहुत फास्ट काम हो रहा है। अरुण, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? केजरीवाल की बनेगी। क्यों? केजरीवाल का अभी जोर शोर ज्यादा है। क्या जोर शोर? सब बाजू सभा है, सब यानी उसको सपोर्ट ज्यादा कर रहा है। ये जो सामने बना है ये मोदी साहब ने बनाया है, बीजेपी। अच्छा, मोदी जी ने बनाया है, ये अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। उनको वोट नहीं देंगे? नहीं, हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं। अच्छा, कांग्रेस को वोट देते तो इस बार केजरीवाल को वोट देंगे? केजरीवाल करेंगे। ऐसा क्यों, कांग्रेस को क्यों नहीं? राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। बस कांग्रेस ही, अपने तो पहले से कांग्रेस पे चलता है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं साबरमती रिवर फ्रंट के बाहर, और यहाँ पर पूरे गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर देखने आ रहे हैं अटल ब्रिज सहित पूरे साबरमती रिवर फ्रंट को, जिसको बताया जाता है कि गुजरात का जो मोदी का मॉडल है वो यहीं से इसकी छवि दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ जो लोग घूमने आए हैं उन्हीं से पूछते हैं कि अब गुजरात इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? गुजरात में 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा, किसकी जीत लग रही है? यार पहली बात तो मैं गुजरात से नहीं हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ, तो मैं तो जस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ। आप ये बताएं, आप गुजरात में आए हैं, कई लोग जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि 27 साल यहाँ बीजेपी ने राज किया तो कोई विकास नहीं हुआ, आप बाहर से आए हैं, क्या देखा है आपने यहाँ? नहीं, मुझे यहाँ पे विकास तो काफ़ी लग रहा है, काफ़ी जो टूरिस्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बनाई हुई हैं, थोड़ा सा ये कि इनको अच्छे से मेंटेन किया जाए तो और भी अच्छा लगेगा, बाकी ये तो अच्छा है, ऐसा नहीं। फिर भी आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ऐसे देश लेवल पे हो या गुजरात में क्या ऐसी पार्टी है जो अच्छा कर सकती है? मेरे ख्याल से अभी तो एक ही पार्टी है सिर्फ बीजेपी, जो नेशनल लेवल पे नेशनल इंटरेस्ट में जो सोच रही है और वही अच्छा करेगी इंडिया के लिए भी। बाकी पार्टियों के क्या ख्याल है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल हो, वो भी यहाँ पर दमखम दिखा रहे हैं, उनके क्या? देखो जो कांग्रेस है उसका तो कहीं पे भी अभी कोई नामो निशान मेरे ख्याल से रहने वाला है नहीं। हाँ, रही बात केजरीवाल की, सो केजरीवाल क्या है, केजरीवाल वैसे बंदा अच्छा है, बट वो क्या है, लोगों को बहुत ख्वाब दिखाता है, वो ऊपर ऊपर वाले वादे करता है जो कि ज़मीन पर कभी वो उसको वो नहीं कर पाता है। अच्छा, जैसे मुफ्त के जो वादे कर रहे हैं। मुफ्त के वादे करेगा, तो ये जो मुफ्त के वादे हैं ये लोगों को निकम्मा बना देते हैं, लोग फिर कमाने से बचेंगे और क्योंकि उनको मुफ्त की चीज़ें मिल जाएंगी, सो मेरे ख्याल से ये सब उसको रोकना चाहिए, लोगों को मुफ्त के जो सपने हैं वो ना दिखाए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाए, लोगों को खुद से कमाना सिखाए, और हाँ उसके ऊपर जो कुछ भी वो अगर विकास करना चाहता है कर सकते हैं, वो उसके ऊपर अच्छा ही रहेगा। फिर 2024 में लोकसभा का भी इलेक्शन काफ़ी नज़दीक आने वाला है, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए कौन सा उम्मीदवार सही है? इस मेरे ख्याल से अभी तो मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं अभी इंडिया में, उसके बाद शायद एक दो टर्म के बाद कुछ चेंज हो सकता है। नाम क्या? पठान हसन। पठान हसन, क्या लग रहा है इस बार गुजरात में विधानसभा चुनाव है, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं? हाँ। क्या लग रहा है इस बार जब वोट करेंगे क्या सोच के करेंगे?
हम केजरीवाल को वोट करना चाहेंगे। क्यों? केजरी मोदी सरकार 20 साल से है बीजेपी। अब जितना होना चाहिए उतना सर ने कहा डेवलपमेंट हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ क्या क्या विकास नहीं हुआ है, विकास होता क्या है? विकास यहाँ इतने एरिया में हुआ है जो बड़ी बड़ी है, बाकी जो विलेज होते हैं, जैसे मैं गांव से हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ बिजली आती है, वहाँ बिजली आती है बट पानी पानी थोड़ा बहुत आ जाता है, मतलब जितना आना चाहिए इतना नहीं, बिजली भी सब आती है अपन बट चोरी की यूज़ करते सब। अच्छा, हाँ अब जैसे ये बताइए, जैसे फ्री के वादे कर रहे हैं, आप तो युवा हैं, आप ये बताइए जो फ्री के वादे जनता से बोल के, क्या फ्री में वोट मिल सकता है उन्हें? मीन्स फ्री में वोट अभी ऐसा चलता है एडवर्टाइजमेंट के, रिक्शा के पीछे पोस्टर लगाते हैं, ये रैलियाँ निकालते हैं, बट वो लोग भी अब क्या, यहाँ पे हमारे वहाँ गाँव में भी रैलियाँ निकलती है केजरीवाल की बीजेपी की, लड़ाई चलती रहती है अंदर अंदर ही लड़ाई चलती है हिंदू मुस्लिम में, ऐसा हम अभी ऐसा नहीं होना चाहिए जो है। नाम क्या है? अल्ताफ खान पठान। अल्ताफ ये बताइए आप वोट दे सकते हैं? नहीं, मेरा अभी 18 साल ही हुआ, मतलब हो गए हैं एलिजिबल वोटर कार्ड बना। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन जीत सकता है? मेरे ख्याल से जो भी जीते है उससे अच्छा है तो कांग्रेस ही जीते। कांग्रेस जीते, ये तो केजरीवाल कह रहे हैं, तो वही केजरीवाल तो अच्छा करेगा ना, क्योंकि जो देखो दोनों जो वादा करते वो तो पूरा काम तो करते नहीं, वोट लेने से पहले बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो नहीं कर सकते हो, लेकिन केजरीवाल पूरी गारंटी ले रहा है। अच्छा। कि वो कर देगा काम और वो आएगा तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में तो कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो तो दिल्ली वाले बोल रहे हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं किया 8 साल में, तो गुजरात में क्या करोगे? नहीं, वो केजरीवाल गारंटी लेता ना कि इस बार मैं आऊँगा तो मैं सब, मतलब जो ये आगे गड्ढे है सड़क के वो सब, वो मतलब वो देश को सुधार सकता है। अच्छा, फ्री की चीज़ें देश को भला कर सकती हैं? फ्री की चीज़ नहीं देश को भला कर सकती, तो मतलब लोगों को काम करने के लिए जॉब देना चाहिए या फ्री की चीज़ें देनी चाहिए? नहीं, जॉब देनी चाहिए। फ्री की चीज़ से तो फिर दुनिया अपना देश घाटे में चलेगा ना।